साल 1948 हैदराबाद के सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान पर भारत में विलय का दबाव बढ़ता जा रहा था। जूनागढ़ और कश्मीर की रियासत पहले ही भारत में अपना विलय कर चुकी थी, अब बची थी तो सिर्फ हैदराबाद रियासत। निज़ाम और उनके वित्त मंत्री मोईन नवाज जंग को धीरे धीरे ये समझ आ चुका था कि अब किसी भी वक्त निज़ाम के शासन का अंत हो सकता है। इसी के चलते निज़ाम के वित्त मंत्री ने उनकी ओर से एक बड़ी रकम भारत के बाहर इंग्लैंड के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ये रकम थी 10,07,940 पाउंड, और जिस खाते में इस पैसे को ट्रांसफर किया गया था वो खाता था लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम रहमतुल्ला का। इस कहानी में मोड़ तब आया जब निज़ाम ने अपना पैसा वापस मांगा और रहमतुल्ला ने वो पैसा निज़ाम को देने से मना कर दिया। इतनी बड़ी रकम को लेकर पाकिस्तान की नीयत बदल चुकी थी। इस पैसे को लेकर पिछले 71 साल से भारत सरकार, निज़ाम के वंशजों और पाकिस्तान के बीच जद्दोजहद चल रही है, और इसी दौरान इस पैसे पर बैंक का ब्याज पड़ता रहा और आज इस पैसे की वैल्यू है 350 लाख पाउंड। लेकिन वो क्या कारण थे जो निज़ाम के वित्त मंत्री ने इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के खाते में रखवा दी, और कैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे निज़ाम के वंशज इस रकम को पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी, और आज हम किस्सा आज तक पर सुनाएंगे आपको किस्सा हैदराबाद के निज़ाम की अपार दौलत का। हैदराबाद रियासत का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। समरकंद से आए आसफ जाह के ये वंशज पहले मुगलों की रियासत में गवर्नर थे, और फिर औरंगजेब के बाद हैदराबाद पर इनका राज हो गया। उस्मान अली खान इसी रियासत के सातवें निज़ाम थे जिन्होंने साल 1911 में हैदराबाद रियासत की सत्ता संभाली थी। कहा जाता है कि किसी वक्त निज़ाम के पास 400 टन सोने का भंडार था, यानी 4 लाख किलोग्राम सोना। निज़ाम के इस खजाने का किस्सा फेमस हिस्टोरियन विलियम डलरिम्पल ने दी गार्जियन को दिए इंटरव्यू में बयां किया है। विलियम बताते हैं कि आज़ादी से पहले हैदराबाद में काम करने वाली आयरिस पोर्टल ने उन्हें बताया कि वहां काम करते करते उनकी दोस्ती निज़ाम की बहू प्रिंसेस नीलोफर से हो गई थी। एक दिन प्रिंसेस उन्हें निज़ाम का दौलत खाना दिखाने ले गई, जो वहीं किसी महल के नीचे गुप्त रूप से बनाया गया था। ये एक तरह का तहखाना था जहां कई ट्रक खड़े थे। जब प्रिंसेस नीलोफर ने एक ट्रक पर से तिरपाल हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ट्रक सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से लदे पड़े थे। असल में निज़ाम को राजद्रोह या भारत सरकार के हमले का डर था, जिसके चलते पहले ही वो दौलत ट्रकों में भरकर रखी गई थी कि अगर जरूरत पड़े तो जल्द से जल्द उस खजाने को शिफ्ट किया जा सके। इसी अपार दौलत के चलते साल 1937 में टाइम मैगजीन ने हैदराबाद के निज़ाम को दुनिया का सबसे अमीर शख्स बताया था। 1940 में निज़ाम की संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी। खैर, साल 1947 आते आते हैदराबाद काफी आगे बढ़ चुका था। उसकी अपनी रेलवे लाइन थी, अपनी सड़क, अपनी करेंसी, यहां तक कि अपनी एयरलाइंस भी थी। इस एयरलाइंस का नाम था डेक्कन एयरलाइंस, जिसे निज़ाम ने टाटा एयरलाइंस के साथ मिलकर खोला था, जिसे 1953 में सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत इंडियन एयरलाइंस में मिला दिया था। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी पैसे की। असल में साल 1947 के बाद से ही हैदराबाद रियासत अपना अलग मुल्क चाहती थी, लेकिन रजाकारों के बढ़ते आतंक और हैदराबाद की पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी।
जिसके चलते 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन के चलते 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। बस इसी दौरान वो रहस्यमयी पैसा जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के खाते में जमा करवाया गया था। इस पैसे को लेकर 3 कहानियां सुनाई जाती हैं। पहली कहानी के मुताबिक निजाम के वित्त मंत्री ने ये पैसा उनके भविष्य के लिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहमतुल्ला के खाते में जमा करवाया था। दूसरी कहानी ये है कि इस पैसे से निजाम के वफादारों के लिए 1,00,303 राइफलें खरीदी गई थी ताकि वो भारत सरकार के हमले का जवाब दे सके। तीसरी कहानी के मुताबिक निजाम की मंजूरी के बिना उनके वित्त मंत्री ने ये पैसा रहमतुल्ला के खाते में ट्रांसफर करवाया था, जो कि किसी गुप्त उद्देश्य से ट्रांसफर किया गया था। लेकिन जैसे ही निजाम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को ये पैसा वापस करने के लिए कहा, लेकिन बैंक ने उन्हें ये पैसा वापस करने से मना कर दिया। बैंक का तर्क था कि ये पैसा निजाम के राजकोष से उनके बैंक में ट्रांसफर किया गया है, ना कि निजाम के पर्सनल अकाउंट से। इस पैसे को वापस पाने के लिए 1954 में निजाम ने पाकिस्तान के साथ कानूनी जंग छेड़ दी। उन्होंने यूके हाई कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन वहां फैसला पाकिस्तान के हक में हुआ, जिसके चलते निजाम को कोर्ट्स ऑफ अपील में जाना पड़ा, जहां निजाम की जीत हुई। लेकिन पाकिस्तान पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पाकिस्तान ने यूके के सुप्रीम कोर्ट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मामले को खींचा, जहां कोर्ट ने पैसे को फैसला आने तक सीज कर दिया और निजाम के जीते जी इस मामले का फैसला कभी नहीं हो पाया। मरने से पहले निजाम ने अपने पोतों मुकर्रम जाह और मुफक्कम जाह को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया और 50 के करीब ट्रस्ट बनाए ताकि निजाम वंश के भविष्य को संवारा जा सके। निजाम ने अपनी विल में साफ कर दिया था कि उनकी निजी संपत्ति का बंटवारा सिर्फ उनके 2 पोतों में ही होगा, उनके वंशजों का अधिकार केवल संपत्ति के ब्याज पर होगा। लेकिन निजाम ने यूके में पड़े उस अपार धन के लिए कोई ट्रस्ट नहीं बनाया और आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया है कि वो पैसा हैदराबाद रियासत के राजकोष से ट्रांसफर किया गया था या फिर निजाम के पर्सनल अकाउंट से। 24 फरवरी 1967 को 7वें निजाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके पोते मीर बरकत अली खां मुकर्रम जाह को 8वां निजाम घोषित किया गया। लेकिन तब तक हैदराबाद रियासत का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। कमाई के साधन कम होते जा रहे थे और खर्चे आसमान छू रहे थे। 7वें निजाम के मरने तक उनके पास 14,000 नौकरों की फौज थी और इतने सारे नौकरों की तनख्वाह देने के लिए आजादी के बाद निजाम को अपना कीमती सामान भी बेचना पड़ा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में 1967 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक निजाम के पास 5,000 नौकर ऐसे थे जो महज कागजों में थे, जिनकी जगह उनके घरवाले निजाम से तनख्वाह पाते थे। लेकिन 8वें निजाम ने अपनी ताजपोशी से पहले ही 6,000 नौकरों की छटनी कर दी। इसके पीछे 8वें निजाम ने कारण बताया कि उनके दादा की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने प्रीवी पर्स में उन्हें मिलने वाली पेंशन 50 लाख से कम कर 20 लाख रुपए कर दी है, जिसके चलते वो इतना खर्च नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि जब निजाम ने गद्दी संभाली तब उनके दादा के गैराज में 56 बेशकीमती कारें थी, लेकिन उनमें से महज 4 कारें ही चलती थी। खैर, इसके कुछ ही वक्त बाद इंदिरा गांधी सरकार ने 1972 में प्रीवी पर्स की सुविधा खत्म कर दी और राजाओं को मिलने वाली पेंशन पर रोक लगा दी गई। मुकर्रम जाह पर धीरे धीरे टैक्स का बोझ बढ़ता चला गया, जिसे खत्म करने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ी। इन सभी हालातों से तंग आकर आखिर मुकर्रम जाह भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। निजाम के भारत छोड़ने के बाद उनके ढहते साम्राज्य को संभालने के लिए उनकी पहली पत्नी इसरा जहां भारत में ही रुकी रहीं। लेकिन धीरे धीरे भारत में निजाम वंश की प्रॉपर्टी पर ताला लगना शुरू हो गया और बाकी बची प्रॉपर्टी पर लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया।
दूसरी तरफ निजाम के वंशजों ने भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया था। 1994 तक मुकर्रम जाह और उनकी बुआ की बेटी फातिमा फौजिया में भी संपत्ति को लेकर कानूनी जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन निजाम के वंशजों के पास अभी एक चीज बाकी थी और वो थे निजाम के हजारों करोड़ों रुपए के आभूषण। ये आभूषण हांगकांग एंड शंघाई बैंक बॉम्बे में रखे गए थे। साल 1995 में भारत सरकार ने इन आभूषणों में से 173 आभूषणों को भारत की धरोहर के तौर पर सहेजने के लिए 218 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इन्हीं आभूषणों में शामिल था जेकब हीरा, जिसकी कीमत आज 400 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। कहा जाता है कि सातवें निजाम इस हीरे को पेपरवेट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। सरकार से मिले इस पैसे में से 40% पैसा मुकर्रम जाह को दिया गया और बाकी 60% पैसा ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज में बांट दिया गया। साल 1997 आते आते हैदराबाद रियासत की ज्यादातर प्रॉपर्टी को लूटा जा चुका था। महल खंडर में तब्दील हो चुके थे और उनकी चार दीवारियां धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी। निजाम की बेशकीमती चीजें कोड़ियों के भाव बाजारों में बेची जा रही थी। खैर, आठवें निजाम की पहली बीवी इसरा जहां ने साल 2001 में निजाम की इस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के लिए सहेजने की कोशिश की, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी रही, लेकिन इसके लिए उन्हें हैदराबाद माफिया की धमकियों का सामना भी करना पड़ा। शाही परिवार की शानो शौकत धीरे धीरे कम होती चली गई और अब इस शाही परिवार की अगली पीढ़ियां अपने लिए अलग रास्ते तलाश रही हैं। आठवें निजाम के वारिस अजमत स्टीवन स्पील्सबर्ग के साथ कैमरामैन के तौर पर हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। कभी पुर्तगाल से पूरे गोवा को खरीदने की चाहत रखने वाले निजाम का ये वंश अब धीरे धीरे अपनी चमक खोता जा रहा है और इसकी उम्मीद टिकी है लंदन से मिलने वाले उन अरबों रुपए पर। लेकिन जिस साम्राज्य की ओर कभी आधी दुनिया की नजर होती थी, आज उसके वंशज गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गए हैं। तो ये था हमारा हैदराबाद की रियासत से जुड़ा किस्सा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक।